अस्सलामुअलैकुम, आप न्यूज़ की टेस्ट ट्रांसमिशन में खुशामदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। शामिल करेंगे आपकी हेडलाइंस। हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आने लगी। विफाक के बाद पंजाब में भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैनशिप अपोजिशन लीडर को देने का इंदिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत कहते हैं, अपोजिशन जिसे चाहे चेयरमैन बनाए, ये उनका इस्तेहकाक होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब रेफरेंसेज हतमी मराहिल में दाखिल। अल अजीजिया रेफरेंस में ख्वाजा हारिस ने अदालत के सादिक और अमीन के सवाल का जवाब दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस अदालत से कोई ताल्लुक नहीं। नवाज शरीफ ने कौमी असम्बली या किसी प्लेटफॉर्म पर कभी कारोबार से ताल्लुक तस्लीम नहीं किया। फैसलाबाद में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। वोकेशनल एकेडमी से दो नौजवानों की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक एकेडमी के दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे। एक ने दूसरे को गोली मार के खुदकुशी कर ली। वजीर आला पंजाब ने आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। कसूर में लड़के और लड़की के कत्ल का मामला। मकतूला के वारिसा सामने आ गए। वालिद की मुदय्यत में नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूलैन इचरा के रिहायशी थे। दोनों की लाशें कल दरख्त से लटकी हुई मिली थी। वालिदैन की सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भारी फीसें लेने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई। फैसलाबाद में एफआईए का बिकन हाउस और सिटी स्कूल पर छापा। फ्रांजिक ऑडिट के लिए रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। स्टाफ और इंतजामिया के बयानात कलमबंद। सिंध में गैस बहरान का पांचवा रोज। सीएनजी स्टेशंस बंद। सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में घरों में भी गैस गायब। चूल्हे ठंडे पड़ गए। पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में जमीन लरज उठी। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदुकश था। झटके सवात, बाजोड़, खालबाड़ी में भी महसूस किए गए। कराची सर्कुलर रेलवे की आराजी वागुजार करवाने के लिए ऑपरेशन का चौथा रोज। गरीबाबाद की हदूद में ऑपरेशन मुकम्मल ना हो सका। शीरीन जिना कॉलोनी से जियाउद्दीन चौरंगी तक नाले और फुटपाथ को आज क्लियर किया जाएगा। कोटद्दू में तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक से जा टकराई। दो अफराद जा बहक, चार शदीद जख्मी हो गए। दो दिन पहले इसी जगह पर हादसे में 6 जाने गई थी। शहरियों का कहना है कि तौनसा ता मुल्तान रोड वन वे की जाए। इमरान खान की शख्सियत का सहर बरकरार। बरतानवी जरीदे ईस्टर्न आई ने कप्तान को एशिया की पुरकशिश तरीन शख्सियात की फहरिस्त में शामिल कर लिया। उसकी याद के बाद सभा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते। बहुत अच्छा है, वाह। और मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल तक नहीं। उर्दू अदब के बाकी शायर आज होते तो 87वीं सालगिरह मनाते। जॉन एलिया ने 8 साल की उम्र में पहला शेर कहा। उनके 6 शेरी मजमूए हैं जिनमें से 5 उनकी वफात